Hello to everyone, welcome back to my channel. Today question is, if ninth term of an AP is 0, prove that 29th term is twice its 19th term. हमें given है कि जो 9th term है वो AP की 0 है, then हमें prove करना है is twice its 19th term, ये हमें prove करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे an का formula लिख लेंगे. an is equals to a plus n minus 1 into d. n की जगह पे पुट कर equals to a plus 9 minus 1 is 8 d. then a 9 की वैल्यू 0, a plus 8 d, 8 d को उससे ही ले जाएंगे, then a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी minus 8 d. अब हमने इस साइड में भी ऐसे ही पहले n की वैल्यू 29 और फिर n की वैल्यू 19 पुट करनी है, देन a 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 इज 28 d. a की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज माइनस 8 d प्लस 28 d इज इक्वल्स टू 20 d. देन a 19 के लिए 19 पुट करेंगे, देन a प्लस 19 माइनस 1 इज 18 डी, माइनस 8 डी प्लस 18 डी इज इक्वल्स टू 10 डी. तो अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 29 डी इज इक्वल्स टू 29, a 29 इज 20 डी. देन राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a 19 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a 19 इज 10 डी, 2 इंटू 10 इज 20 डी, हियर इज डी. तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल, हैंस प्रूव्ड. थैंक यू.